हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर चैनल। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा कि सर, रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि एमबीए में है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, क्या फॉर्मेट है, उसमें क्या क्या पेजेस होंगे, कौन सी हेडिंग के पेजेस होंगे, और उसमें इवैल्यूएशन कैसे होगा, यानी कि इंटरनल में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएगा उसको क्या पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वाइवा में जो क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिवर्सिटी की एकेटिव की ऑर्डिनेंस में दिया गया है, तो KMB 405 पेपर कोड होता है। तो आप सभी को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में जो है ये रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स को बनाना होता है, जो भी स्पेशलाइजेशन उन्होंने चूज़ किया है, चाहे वो मार्केटिंग, HR, FM, IT, IB, OP यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट, इन सब में जो भी स्पेशलाइजेशन उन्होंने मेजर या माइनर में से लिया, उनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन से, किसी भी एरिया से जो है उनको टॉपिक चूज करना होता है और रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर फैकल्टी मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि जो कोर फैकल्टी होती हैं डिपार्टमेंट की, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, उनके सुपरविजन में यानी कि उनके देख रेख में जो है रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है स्टूडेंट्स को अपनी तैयार करनी होती है, या जो भी मेंटोर कॉलेज से अपॉइंट होते हैं उनके अंडर जो है आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है उनके अंदर। इवैल्यूएशन इज डन बाय टू एग्जामिनर्स, वन एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल। जो इवैल्यूएशन होता है, जो रिसर्च रिपोर्ट चेकिंग होती है, वाइवा होता है, वो सारा कुछ दो एग्जामिनर के अंडर होता है, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा और एक इंटरनल एग्जामिनर होगा। जो इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज डन बाय इंटरनल एग्जामिनर, जो रिसर्च रिपोर्ट है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, उसका इवैल्यूएशन इंटरनल एग्जामिनर द्वारा होता है। और इवैल्यूएशन ऑफ वाइवा बोस इज डन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर था वो वाइवा बोस आपका जो है रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे जो आपने बनाया है उसी के बेसिस पे आपका वाइवा बोस कंडक्ट कराता है। नंबर ऑफ पेजेस की बात करें रिपोर्ट में कितने होने चाहिए, तो 75 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस 75 होने चाहिए। जो स्टार्टिंग के पेजेस होती हैं, जो रोमन नंबर्स में होती हैं, उनको छोड़ के 75 पेजेस आपके रिपोर्ट में होने चाहिए रिसर्च रिपोर्ट प्रोडक्ट में। टाइप्ड इन A1 साइज पेपर, A1 साइज पेपर में जो है आपका रिपोर्ट तैयार होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज जो है वो 12 होना चाहिए, जो फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए। डबल स्पेसिंग होनी चाहिए। 2 कॉपीज ऑफ द रिपोर्टेड टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूशन। हर स्टूडेंट को जो वो अपना रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा, वो जो है उसकी 2 कॉपी जो है इंस्टीट्यूशन में सबमिट करनी होनी चाहिए। अब हम बात कर लें कि फॉर्मेट क्या है रिपोर्ट का, यानी कि क्या कैसे सीरीज अरेंज किए जाएंगे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं। तो जो सबसे पहला पेज होगा वो आपका कवर पेज होगा या टाइटल पेज होगा, जिसमें कि आप आपके रिपोर्ट का टॉपिक क्या है, किसने सबमिट किया है, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन जो आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं, वहाँ से एक सर्टिफिकेट जो है जो कि आपके सुपरवाइजर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसको साइन करते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपको अपने रिपोर्ट में कवर पेज के बाद लगानी होती है। उसके बाद फिर आपको एक्नॉलेजमेंट पेज लगाना होगा आपके रिपोर्ट में, जो एक्नॉलेजमेंट में आप थैंक्स बोलते हैं जिसने भी आपके रिपोर्ट बनाने में हेल्प की है उन सभी को, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके सुपरवाइजर हों, कॉलेज से कोई फैकल्टी हो, उनका ना उनको जो है आप थैंक्स बोलते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट पेज लगाना रहता है। उसके बाद फिर आपको टेबल ऑफ कंटेंट विथ पेज नंबर आपको लगाना है रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि कौन कौन से अंदर आपको जो है कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, ये सारी डिटेल्स आपको जो है एक्नॉलेजमेंट के बाद ही देनी होती हैं। उसके बाद फिर आप एग्जीक्यूटिव समरी या प्रीफेस पेज लगाएंगे। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है कि जो पूरे रिपोर्ट का क्रक्स है वो आप जो है एग्जीक्यूटिव समरी में ही लिख देते हैं कि हाँ रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें, ये फाइंडिंग्स आएंगी और ये होगा। तो 2 से 3 पेज का नियर अबाउट एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो आपको लगाना होता है अपने रिपोर्ट में। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद जो आपका जो पेज आएगा वो इंट्रोडक्शन पोर्शन आएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपने जिस पे भी रिसर्च रिपोर्ट, जिस टॉपिक पे भी रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे कि क्या टॉपिक है, क्या किस लिए आपने टॉपिक चूज़ किया, क्या इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें इंट्रोडक्शन देंगे उसके बारे में। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी यानी कि जो आपने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन एम क्या था, क्यों आपने वो स्टडी की, उसमें प्रॉब्लम्स क्या थे, जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर स्कोप ऑफ द स्टडी यानी कि इस स्टडी का स्कोप क्या है, कहाँ पर ये एप्लीकेशन होगा, इसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। जब आप फिर स्कोप ऑफ स्टडी के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी यानी कि इस स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपने स्टडी की, कोई फ़ायदा है इसका, ये सारी चीज़ आपको बतानी होगी। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बताना होगा कि आपने प्राइमरी डेटा यूज़ किया, सेकेंडरी डेटा यूज़ किया, आपने कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ किया है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, उसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो आपने कौन सा टेक्निक यूज़ किया, आपका सैम्पल साइज कितना था, आपने डेटा कलेक्शन कैसे किया, क्वेश्चनर से किया, शेड्यूल से किया, इंटरव्यू लिया आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बतानी होती हैं। उसके बाद फिर आपको एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसमें कि आप जो आपने डेटा कलेक्ट किया रिसर्च मेथोडोलॉजी में, टेक्निक्स वगैरह लगाया, डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद फिर आपने उस डेटा को एनालिसिस कैसे की उस डेटा की, यानी चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, डिफरेंट फॉर्मुलेस के थ्रू, वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस ऑफ डेटा में लगानी होंगी। उसके बाद फिर एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद आपको फाइंडिंग्स दिखाने की, क्या फाइंडिंग्स आई जब आपने डेटा को एनालिसिस किया तो आपकी क्या फाइंडिंग्स आई, वो आप फाइंडिंग पेज में सुनाएं दिखाएंगे। उसके बाद फिर कंक्लूजन आप देंगे
सकेंगे कि हाँ इस तो फाइंडिंग के बेसिस पे ये कंक्लूजन जो है निकल के आया है कि ऐसा होना चाहिए, और फिर रिकमेंडेशन जो कंक्लूजन के बेसिस पे ही रिकमेंडेशन दिया जाता है, यानी कि अगर किसी के लिए आपने रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है तो क्या कंक्लूजन है उस रिपोर्ट का, वो आप जो है क्या रिकमेंडेशन है उस रिपोर्ट से, ये चीज़ें वो आप रिकमेंडेशन पेज से देख सकते हैं। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में जो भी आपने डेटा लिया है कहाँ से लिया है, अटैचमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जो है एनेक्सर में लगाएंगे। तो बिब्लियोग्राफी में डिटेल्स की कहाँ कहाँ से रेफरेंसेज जो आपने लेते हैं, कहाँ से हेल्प ली है, सारी चीज़ें लेंगे। एनेक्सर में जो भी अटैचमेंट है, क्वेश्चनर हो गया या कोई और चार्ट डायग्राम आपको लगाना था, दिखाना था सपोर्टिंग में, जो कि आप बीच में ही दिखा सकते हो, उसको आप एनेक्सर में लगा सकते हैं। अब बात कर लें कि पेजेस की, तो पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि बताया कि रिपोर्ट में जो रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें मिनिमम 75 पेज होने चाहिए। तो जो 75 पेज है वो शुरू से नहीं, यानी कवर पेज से नहीं होगा, पेज टिल एग्जीक्यूटिव समरी शुड बी इन रोमन नंबर। तो जो अभी आपने आपको पीछे दिखाया कि कवर पेज से एग्जीक्यूटिव समरी तक, तो ये जो पेजेस हैं कवर पेज, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जो आपका इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट, ये सारे पेज किस में होंगे, रोमन नंबर्स में होंगे। सर्टिफिकेट पर कोई पेज नंबर नहीं होगा, कवर पेज पर भी कोई पेज नंबर नहीं होगा। बाकी जो सर्टिफिकेट और जो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है उसके बाद से एग्जीक्यूटिव समरी तक जो पेज नंबरिंग होगा, यानी एक्नॉलेजमेंट हो गया, कवर पेज हो गया, ये सारे रोमन नंबर्स में होंगे, ठीक है, जैसे 1, 2, 3 यहाँ पे आपको शो हो रहा है। बाकी एग्जीक्यूटिव समरी से यानी कि इंट्रोडक्शन से एनेक्सर तक वो पेजेस कैसे होंगे, 1, 2, 3 जो नॉर्मल नंबर आप लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें लिखे जाएंगे। तो ये पेजेस जो है 75 पेजेस होने चाहिए। जो रोमन नंबर्स में पेजेस होंगे यानी कि एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका, एग्जीक्यूटिव समरी हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, ये सारे रोमन नंबर्स में रहेंगे। लेकिन उसके बाद इंट्रोडक्शन से लेकर एनेक्सर तक वो सारे नॉर्मल नंबर से रहेंगे 1, 2, 3 में। तो ये पेजेस जो है 75 होने चाहिए, रोमन नंबर वाले काउंट नहीं होने चाहिए, बिना रोमन नंबर के 75 पेजेस होने चाहिए। तो ये फॉर्मेट है और ये नंबर ऑफ पेजेस। अब हम बात कर लेंगे इवैल्यूएशन की, कि इवैल्यूएशन में क्या पूछा जाता है, किस हेडिंग से फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले चीज़, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 300 मार्क्स का रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जो कि स्टूडेंट्स के हाथ में है। अगर स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेहनत कर लें तो 300 मार्क्स वो अच्छे से गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है 300 में से वो ला सकते हैं। तो 300 में से 100 मार्क्स जो है वो इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए होता है, जो इंटरनल एग्जामिनर होता है उसके हाथ में होता है। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें पहली चीज़ तो रेलेवेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव विथ टॉपिक, यानी जो भी आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी चूज़ किए वो आपके टॉपिक से कितना रेलेवेंट है, वो उसके लिए 20 मार्क्स दिए जाते हैं आप स्टूडेंट्स को। फिर रेलेवेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि जो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ की है रिसर्च प्रोजेक्ट पर उसका कितना रेलेवेंस है, कितना लिंकेज है, कितना वैलिड है वो, उसके लिए 40 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स को अपॉइंट किए जाते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, यानी कि जो आपने इंटरप्रिटेशन के एनालिसिस ऑफ डेटा किया है और आपने उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग या कंक्लूजन निकाली है वो कैसी है, वो इफेक्टिव है, रिलेवेंट है या नहीं है, तो उसके लिए 40 मार्क्स जो है दिया जाएगा। उसमें आपने चार्ट क्या यूज़ किया, डायग्राम्स क्या यूज़ किया है, फॉर्मूला कैसा, कौन सी मेथड यूज़ की है जिससे आपने एनालिसिस की है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये होगी इंटरनल। अब बात कर लें एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की। तो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जैसे बताया कि टोटल 300 का होता है, 100 मार्क्स जो है इंटरनल इवैल्यूएशन होता है और 200 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में होता है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा वो आपके उस रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे कंडक्ट करता है। तो पहली चीज़ आप जो एक्सटर्नल एग्जामिनर चेक करेगा, वो चेक करेगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विथ टॉपिक, यानी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की, कि ऑब्जेक्टिव और टॉपिक की क्या अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की, वो चेक की जाती है। तो उसका 40 मार्क्स है, यानी कि आपने टॉपिक क्या चूज किया है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको, तो दोनों आपस में आपका कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंस ऑफ रिसर्च, यानी कि जो आपने रिसर्च किया है, जो आपने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है उसकी कितनी रेलेवेंस है, किस चीज़ों में रेलेवेंस है, कहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं वाइवा वॉस के थ्रू, और जिसकी वैल्यू कितनी है 40 मार्क्स की है, जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में होती है। फिर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जैसा कि इंटरनल में हुआ था कि इंटरप्रिटेशन चेक करते हैं, एनालिसिस की चेक करते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, 40 मार्क्स का उसका जो है वेटेज होता है। फिर जो है आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है स्टूडेंट्स की देखी जाती है, कि कैसे प्रेजेंटेशन दे रहा है, कैसे इसकी क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो चीज़ रिपोर्ट में लिखी वो चीज़ बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिसके लिए 40 मार्क्स का वेटेज होता है। उसके बाद क्वेरी हैंडलिंग, यानी कि जो एग्जामिनर होता है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं, वो जो है अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपके रिपोर्ट से होता है, तो उसके लिए भी आपको जो है क्वेश्चंस, आपने कितने आंसर दिए, कैसे हैंडल कर रहे हैं, सही से आंसर दे पा रहे हैं या चुपचाप बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो उसके लिए भी जो है आपको 40 मार्क्स का वेटेज होता है। तो ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है। इंटरनल इवैल्यूएशन में भी वही आपके टॉपिक्स को देखा जाता है, कि कितना रेलेवेंट टॉपिक है आपका, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे
200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा कि आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है ऑब्जेक्टिव और टॉपिक के साथ, आपके रिलेवेंस ऑफ रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की कितनी नॉलेज है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी क्वेरी हैंडलिंग यानी रिसर्च रिपोर्ट से जो भी क्वेरी पूछा जा रहा है एग्जामिनर द्वारा वो आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, उसको आप आंसर दे पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट तैयार होगा और इससे इसी तरीके से जो है आपका वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा। जो फॉर्मेट बताया है ये सारी चीज़ें याद रहे कि ये सारी चीज़ें AKTU के MBA ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं, ऐसे ही आपको फॉर्मेट रखना है। तकरीबन ऐसे ही इतने मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, वाइवा वॉस होगा, आपको रिपोर्ट ऐसे ही बनानी है, मिनिमम पेजेस ऐसे होना चाहिए, A1 पेपर में होना चाहिए, 75 पेजेस का आपको जो है कम से कम जो है रिपोर्ट तैयार करना है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग भी ऐसे ही कवर पेज टाइटल फिर सर्टिफिकेट फिर आपका एग्जीक्यूटिव समरी टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोडक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी एनालिसिस फाइंडिंग कंक्लूजन लास्ट में आपका एनेक्सर उससे पहले बिब्लियोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग भी वैसे ही रहेगी। तो आप यहाँ पे इसको वीडियो को पैक करके देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे रहेगा, कवर पेज कहाँ पर आएगा, कब इंटरप्रिटेशन आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट कब आएगा, सारी चीज़ आप देख सकते हैं, कौन से पेजेस रोमन नंबर्स में रहेंगे, कौन से पेजेस 1, 2, 3 में रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना है। तो इस बार जैसा कि आपको पता है कि आप जो सेकेंडरी डेटाबेस भी रिसर्च पूरा जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो पूरा सेकेंडरी डेटाबेस्ड भी रह सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।